आपके पास वन प्लस का सिक्स है सिक्स टी है या फिर कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में तो नोटिफिकेशन बंद करने के लिए आप सेटिंग पे जाएंगे इस टाइप से ऑप्शन आएगा स्क्रॉल कर लेंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा इसमें ये वाला ऑप्शन होता है स्वाइप डाउन टू तो व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉर जैसे कि आप ऐसे स्वाइप डाउन करते हैं अगर नोटिफिकेशन ड्रॉर लॉक स्क्रीन पर आपको बंद करना है तो यहाँ पे इसको बंद करेंगे अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन अगर लॉक है तो ऐसे डाउन करेंगे तो आपका नहीं आएगा जैसे कि अगर ये ये खुल गया मेरे फेस लॉक से अभी फ़ेस हाइड कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं अब नहीं आ रहा है और अगर इसको ऑन करके अब मैं फेस अपना हाइड करती हूँ तो देख सकते हैं आ गया है तो ऐसे करके आप सेटिंग कर लेंगे बाकी यहाँ लॉक स्क्रीन के नोटिफिकेशन हाइड करने हैं तो ये शो ऐप ऑनली पे क्लिक कर लेंगे ताकि आपकी जो बातचीत है वो शो ना करे लॉक स्क्रीन पे वेक स्क्रीन नोटिफिकेशन ये आप ऑन रखेंगे और यहाँ पे आप इस पर बैनर पे चले जाएंगे इसको ऑन रखेंगे बैक कर लेंगे बैजेस पे चले जाएंगे बैजेस पे नंबर और डॉट आप ऑन कर लेंगे जिसको किसी को बैजेस हटाने हैं ना तो वो डू नॉट शो कर देंगे तो रेड कलर की जो नंबर और डॉट आते हैं वो नहीं आएंगे लेकिन मेरा मानना है तो आप लगा देंगे क्योंकि इससे मिस कॉल वगैरह का पता चल जाता है और यहाँ पे स्टेटस बार का एक ऑप्शन है आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के आइकन शो कर सकते हैं नंबर शो कर सकते हैं या फिर हाइट कर सकते हैं और बैटरी का स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज ऑन कर लेंगे और यहाँ पे आपका नेटवर्क स्पीड आप लगा सकते हैं ब्लूटूथ का आइकन एच वॉइस वो वाई ये आपका रिंग का एन एफ ईयरफोन का ज़रूरी है और ये थोड़े ऑप्शनस हैं आइकन के यहाँ पे स्टेटस बार में आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग पे जाएंगे तो आपका ये डेटा यूसेज आ जाता है नोटिफिकेशन ड्रॉर में तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा लिमिट है ना ऐसे नोटिफिकेशन ड्रॉर में शो करता है यहाँ पे जियो लिखा है ना ये सब ये डेटा यूसेज है स्नूजिंग आप बंद करके रखेंगे या स्नूजिंग उन लोगों के लिए होता है कि जिनको नोटिफिकेशन पढ़ने का टाइम नहीं होता बिजी होते हैं ना तो स्नूजिंग ऑन कर देंगे तो एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे पूरा दिन नाचता रहता है जब तक आप उसको क्लिक करके पढ़ नहीं लेते या खुद से क्लिक करके हटा नहीं लेते ठीक है ऑल क्लियर करने से वापस आ जाएगा और यहाँ पे रिड्यूस फीडबैक का एक ऑप्शन है इसको ऑन रखेंगे जैसे तो कि कुछ गेम प्ले कर रहे हैं या फिर कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं ना तो आपका जो नोटिफिकेशन का साउंड है वो बहुत तेज नहीं बजेगा बहुत धीरे से साइलेंटली आके चला जाएगा और ये हो गया बबल्स का ऑप्शन बबल्स का ऑप्शन मैंने बंद किया था जो नोटिफिकेशन पॉप अप करते ना स्क्रीन पे वो मैंने बंद कर दिया है यहाँ से इनहेंस नोटिफिकेशन है आ, अगर आप चाहते हैं रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन व्हाट्सअप के नीचे तो ऑन रखेंगे बाकी आपका एट ग्लान्स आ जाता है इसको छोड़ देंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पर पूरी चैट वगैरह दिखती है आपको इसके बाद बैक कर लेंगे अब आ जाता है मेन मुद्दा आपके एप्लीकेशन का तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके ऑल कर देंगे या फिर टर्न ऑफ वाले देखने तो टर्न ऑफ वाले पे देख लेंगे तो जो ऑन हैं वो ब्लू कलर के हैं इसको आप ऑफ कर लेंगे तो इसके नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होंगे और जो ऑन ऑफ नहीं हो रहे हैं तो ये सिस्टम वाले हैं इसका आप कुछ नहीं कर सकते ये आएंगे आएंगे बाकी एप्लीकेशन बा, के ऐसे ऑफ़ कर लेंगे ऑन कर लेंगे चाहते हैं तो इसके बाद बैक कर लेंगे बाकी अंदर से भी इसकी सेटिंग होती है जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइक like क्रोम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से ब्राउज़र का ऑन ऑफ़ करना है इसका ऑन ऑफ़ करना है तो ये देख लेंगे पढ़ लेंगे ना यहाँ पे तो ऐसे करके फुल सेटिंग कर लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार